हेलो एवरीवन, मैं हूँ शफाली और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या जो जल्दी ही करवाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा, एक भी रुपया आपको कहीं पर भी पे नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको लगेंगे तो सिर्फ आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। और जहाँ तक बात है अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो हर एक के पास अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत भारी भारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही आपके सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स, आपके आईडी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ, इसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक बात है स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन की, तो आप सभी लोगों के पास 4G फ़ोन अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो इंटरनेट कैफ़े पर जाइए, और अगर है तो उसका सही यूज़ कीजिए। देखिए, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम अगर ठान ले कि हमें खुद से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। क्या हो गया है, आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए हैं और इस आलस के चलते हम लोग अपना कोई भी काम नहीं करना चाहते। पैसे देकर हम अपना काम करवाते हैं और इससे ये बात हो जाती है कि अगर आप लोग पैसे दे रहे हो अपना काम करवाने के लिए, और जो बंदा खुद का काम कर सकता है वो भी ये सोचता है कि ये काम जो है वो पैसे देकर ही होगा। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कोई काम होगा जिसके लिए आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और आप काम कर रहे हैं तो आप पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके ही आपका फर्स्ट स्टेप उठाए पैसे कमाने का, आपके पैसे बचाने का, तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मैंने किया है। मुझे अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, जिसके कारण मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। और पहले मैंने भी बाहर से इन्फॉर्मेशन ली थी कि कितने पैसे लगेंगे, तो कहीं पर मुझे 3,000 का रेट मिला, कहीं 4,000, कहीं 5,000। तो इस तरीके से 3,000 से 5,000 के बीच में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है अगर आप बाहर से करवाते हैं तो। और अगर आप खुद से करते हैं, आप इंटरनेट पे बैठ के ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, तो यकीन मानिए आपको एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री में करवाया है, वैसे ही आप लोग भी करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को अब भी लगता है कि आप अकेले अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, या अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय कोई प्रॉब्लम आया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए वहाँ पर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, वहाँ नीचे में कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे देती हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा पाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।